30% आरक्षण पास हुआ है, 50% क्यों नहीं? 33% आरक्षण इसलिए पास किया गया है। आप ये सोचिए कि अगर माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की जो भी योजनाएं आती हैं तो वो सभी वर्गों के लिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हूं और विशेषकर हमारी मातृशक्ति के बल पर मैं घोसी लोकसभा 70 में जीत करके भाजपा की झोली में जरूर। लोग बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन कब तक चलेगा? देखिए 5 किलो राशन 9 साल में अभी बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी बिल्कुल करते हैं। राज्यसभा में बिल पास होगा जी, किस तरह पास होगा इसका निर्णय तो प्रकाश राजभर के बेटे जो अरविंद राजभर हैं वो आएंगे यहाँ से लड़ने के लिए, तो बाहरी बनाम घर की लड़ाई फिर नहीं होगी? आएंगे, अभी आए। देखिए जनता का तो काम है बोलना, सबका काम है बोलना। लोग बीजेपी के ही लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है तो बीजेपी। नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय इंदारा ग्राम सभा तिथौ राजभर बस्ती में हूँ। हमारे साथ नए नियुक्त जिला अध्यक्ष नीपुर अग्रवाल जी हैं जो भाजपा से हैं। मैडम राज तकनीक चरण में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल हमारे है कि 33% आरक्षण पास हुआ है, 50% क्यों नहीं? 33% आरक्षण इसलिए पास किया गया है कि अभी जो हमारी महिलाएं हैं वो हर तरीके से सक्रिय नहीं हो पाई हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाएं कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं, महिलाएं हमारी बिल्कुल कमजोर नहीं है, उनको सक्रियता की भूमिका में लाना है, इसलिए अभी 33% आरक्षण पास किया गया है। और धीरे धीरे करके जब महिलाएं हमारी सक्रियता की भूमिका में आ जाएंगी तो ये आरक्षण हमारा बढ़कर और अधिक हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं आरक्षण में ओबीसी एसटी का अलग अलग कैटेगरी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो सभी वर्गों को हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। आप ये सोचिए कि अगर माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की जो भी योजनाएं आती हैं तो वो सभी वर्गों के लिए योजनाएं होती हैं, किसी व्यक्ति वर्ग विशेष के लिए योजनाएं नहीं होती हैं। तो जब योजनाएं सभी लोगों के लिए हैं तो सब आरक्षण का ऐसा कोई नियम नहीं है कि वर्ग विशेष का ही आरक्षण किया जाए। महिला है और लोकसभा सामने चुनाव है, कितना है चुनौती? चुनौती भरापूर्ण जरूर है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और विशेषकर हमारी मातृशक्ति के बल पर मैं घोसी लोकसभा 70 में जीत करके भाजपा की झोली में जरूर दूंगी। आपको पूरा विश्वास है कि भाजपा जीतेगी यहाँ से? एकदम, इस बार भाजपा का जीतना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भाजपा ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। अगला हमारा सवाल है कि लोग बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन कब तक चलेगा? देखिए 5 किलो राशन की बात नहीं है, बात यह है कि माननीय मोदी जी का ये रहता है कि कोई भी घर, कोई भी परिवार भूखा ना सोए। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, 9 साल में भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है, किसी किसी घर में हो जाता है परेशानी कि आज क्या करें, कैसे करें, राशन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ताकि एक व्यवस्था चलती है जिससे कि महिलाएं जो हमारी हैं वो कभी ये ना सोचे कि अरे हमारे आज घर में राशन नहीं है या आज कभी हमको दिक्कत आ गई है तो मैं कैसे खाना बनाऊँ। कोई भी परिवार, कोई भी घर भूखा ना सोए, इसकी चिंता हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी करते हैं। राज्यसभा में बिल पास होगा जी, किस तरह पास होगा इसका निर्णय नेतृत्व लेगा? नहीं, आपका तो वहाँ सांसद कम है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सांसद कम है तो कैसे होगा? धीरे धीरे खरीद फरोश की बात होगी? नहीं कुछ नहीं, खरीद फरोश की कोई ऐसी बात नहीं होगी, और धीरे धीरे हम लोग सोचते भी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी सोचती है कि खरीद फरोश की जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे जीरो टॉलरेंस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। घोसी का उपचुनाव का जिम्मेदार किसको मानती है? घोसी के लोकसभा का देखिए हारना और जीतना अलग का विषय होता है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उससे आदमी सीखता है, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे हार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है, लेकिन हाँ उस हार की समीक्षा जरूर की गई है, की भी जा रही है कि आखिर क्या वजह पड़ी जिससे हम घोसी लोकसभा। दारा सिंह का चौहान को लाना निर्णय गलत था? बिल्कुल नहीं। तो फिर हार क्यों गए? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो अगर निर्णय लिया है कि दारा सिंह चौहान जी को भाजपा का प्रत्याशी बनाया है तो वह निर्णय भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सही निर्णय है। कितना दारा सिंह चुनाव में देंगे वोट, चौहानों को दिलाएंगे वोट? देखिए ये सब अलग का विषय है, वो समय बताएगा कि कितना वोट दिलाएंगे, लेकिन घोसी विधानसभा राजभरों का क्षेत्र ज्यादा है तो क्यों ना राजभर पर विश्वास किए बीजेपी ने? राजभर और चौहान चाहे किसी भी वर्ग, मैं बार बार यही कह रही हूँ, किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष की बात नहीं होती है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चौहान को अगर वोट दिया है तो हम सभी राजभर वर्ग भी उसको मिलकर जिताने का काम करेंगे। नहीं, विजय राजभर पूर्व विधायक थे जो, वो दूसरे नंबर पे थे, उनको टिकट क्यों नहीं मिला, कारण क्या था? ये शीर्ष नेतृत्व का मैटर है, आपको तो पता होगा। नहीं, पता होना ना होना वो भी अलग का विषय, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जिसको टिकट देकर भेज दिया, जिसको भाजपा का सिंबल दे दिया, वही हमारा प्रत्याशी हो गया। कह रहे हैं लोग ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो अरविंद राजभर हैं वो आएंगे यहाँ से लड़ने के लिए, तो बाहरी बनाम घर की लड़ाई फिर नहीं होगी? आएंगे, अभी आए नहीं है। बोल रहे हैं लोग, तय है। देखिए जनता का तो काम है बोलना,
सबका काम है बोलना। लोग बीजेपी के ही लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो बीजेपी जो जनता है वो भी तो बीजेपी की ही है, ठीक है, कभी कौन आएगा क्या नहीं आएगा ये सब तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो कम से कम 4 महीने 6 महीने की देरी है लोकसभा चुनाव में, तो अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बना करके घोसी लोकसभा में उतारती है। आखिरी सवाल हमारा है कि दारा सिंह को हराने में बीजेपी नेताओं का कितना हाथ था? नहीं, ऐसा नहीं कि दारा सिंह चौहान को हराने बीजेपी नेताओं का हाथ है, कुछ तो बोल रहे हैं, ये एकदम मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ खड़ा है और वो कभी हराने का काम नहीं करेगा। ठीक है मैम, आप राज तक न्यूज चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आपका।